सिगरा पुलिस ने मालाबार शोरूम में आभूषण चोरी करने वाली महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया। थाना सिगरा पुलिस द्वारा सिगरा स्थित मालाबार शोरूम से सेल्समैन को धोखा देकर आभूषण चोरी करने वाली अभियुक्ता व उसका साथी गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त काशी जोन व सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के कुशल नेतृत्व में थाना सिगरा पुलिस द्वारा सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित अभियुक्तगण निशा त्यागी सोनू राजपूत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आवेदक शुभम केशरी शोरूम मैनेजर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द्वारा विगत 27 दिसम्बर 2023 को चेन चोरी के संबंध में तहरीर दिया गया। उन्होंने बताया कि घटना तब हुई जब हमारे एक बिक्री कर्मचारी प्रभाकर मिश्रा एक ट्रे में चेन दिखा रहे थे जिसमें एक महिला ग्राहक के लिए विभिन्न चेन थी और एक व्यक्ति उसके साथ था। जब कर्मचारी कुछ अन्य डिजाइनों की खोज कर रहे थे तो कथित महिला और व्यक्ति ने डिजाइन को सत्यापित करने के बहाने डिस्प्ले ट्रे से एक चेन उठाया था और चतुराई से उस सोने की चेन को बदल दिया था। जब महीने के अंत में स्टॉक ऑडिट में सोने की चेन का वजन कर रहे थे तो उन्होंने उत्पाद टैग में एक बेमेल देखा और ट्रे में प्रदर्शित उत्पाद और आगे की परीक्षा में पता चला कि चेन की जगह हमारे उत्पाद टैग के साथ एक अलग श्रृंखला है। सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि करने पर यह पुष्टि की गई कि महिला ग्राहक ने डिस्प्ले ट्रे में एक अन्य ब्रांड गोल्ड चेन के साथ वास्तविक चेन को बदल दिया था। अभी तक 4 अभियोग ज्ञात हुए हैं जिसमें प्रेम नगर रोहिणी दिल्ली प्रयागराज व इंदौर आदि के प्राप्त हुए हैं। इन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने प्रयागराज की घटना शोरूम सेनको में व मालाबार शोरूम इंदौर में करना बताया है। इस पूरी टीम ने बहुत ही तत्परता से कार्य किया है। इनके उत्साहवर्धन व मनोबल को बढ़ाने हेतु 25,000 रुपये नगद से पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा और इन दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनका PCR लेकर के और इनसे पूछताछ की जाएगी कि कहां कहां इनके द्वारा अन्य घटनाएं कारित की गई हैं और उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। सर, क्राइम टीम लगातार उत्सुकता के साथ कार्य कर रही है सिगरा क्षेत्र की बात करी है, उनके प्रेरणा स्रोत के लिए आप क्या कहें? निश्चित रूप से उत्साहवर्धन व मनोबल को बढ़ाने हेतु मैंने पूरी टीम को 25,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की जो घोषणा किया है और साथ ही साथ इनके जो सुपरवाइजरी अधिकारी हैं ACP चेतगंज उनको प्रशंसा पत्र निर्गत किया जाएगा और साथ ही साथ और जो एक अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है उसके लिए टीम लगाई गई है। जितना जल्दी ये गिरफ्तार कर लेते हैं और इसके अतिरिक्त उस अभियुक्त पर भी इनाम घोषित किया जाएगा। सर, कितने सालों से कार्य कर रहे थे जो आभूषण लेते थे दुकानों से हेरा फेरी करते थे उसको कहाँ बेचते थे? ये कई स्थलों पर बेचते, नई दिल्ली विशेष रूप से इन्होंने अभी बताया।